बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मौजूद हमारी बहनों को, लड़कियों को और मर्द हज़रात सबको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ औरत फाउंडेशन, जज्बा फाउंडेशन, साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान और जितनी भी एसोसिएशन इस अच्छे कॉज के लिए यूनाइट हुई है और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करके मैं आप सबको आलमी दिन के हवाले से वो जो वुमेंस डे उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग थक गए हैं, अभी हमारी बहन भी जा रही थी, कि जिस तरह की उनसे पहले बहन ने कहा कि जो मर्द हजरात हैं वो खवातीन को पीछे रखते हैं और मर्द का जो स्टेटस है वो औरत से ज़्यादा है, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अशरफुल मखलूकात के अंदर यानी जितनी मखलूक हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो जिन हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं, बहुत सारी मखलूक जो नज़र नहीं आती, उन सबसे स्टेटस जो है वो इंसान का बाला तक रखा ऊपर रखा। और उस अशरफुल मखलूक में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है तो वो औरत है। चाहे आप औरत को माँ के रूप में देखें, चाहे आप औरत को बहन के रूप में देखें, चाहे आप औरत को माशरे की तरक्की के लिए देखें, क्योंकि सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जब एक इंडिविजुअल लड़का मेल पढ़ता है तो वो अपनी उस फैमिली को, जो आने वाली फैमिली होगी उसको जरूर प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब एक खवातीन हमारी बढ़ती हैं या जब हमारी एक लेडी डॉक्टर बनती हैं या एक लेडी लॉयर बनती हैं या एक लेडी सोशल वर्कर बनती हैं, जो वो सक्सेसफुल होती हैं तो वो जिस तरह से अपनी पूरी फैमिली की अपब्रिंगिंग करती हैं तो वो सिर्फ ना सिर्फ माशरे के लिए है बल्कि इंडिविजुअलिटी से हर के जनरलिटी पे उसका इफेक्ट स्प्रेड होता है। तो इसके अंदर है, मैं आपको दोनों के खवातीन का जो रोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में, हमारे कुरान मजीद में भी बड़ा क्लियर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी हैं। और साथ साथ ये जरूर कहूँगा, आप लोगों को शायद थोड़ा सा बुरा लगे कि देखें आज़ादी एक अलग चीज़ है, एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करना एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप हमारे मुल्कों के अंदर जहाँ पे खवातीन बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, अगर आप वहाँ पे उनका डिप्रेशन रेट चेक करें, अगर आप वहाँ पे उनका डाइवोर्स रेट चेक करें, रेट ऑफ सेपरेशन चेक करें, रेट ऑफ सुसाइड खुदकुशी चेक करें, तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज का बहुत बेहतर है उन ममालिक से। लेकिन मैं ये भी जरूर कहता हूँ कि लेडीज को आगे आना चाहिए, माशरे में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। और हमेशा इंसान की पहचान, मेरे तो ये यकीन है कि लिबास से नहीं होती, आपकी रूह अंदर का दिल आपका जमीर मुतमईन होना चाहिए, बाकी वो तो छोटे भी शौक हैं लोगों को भी बोलने से फर्क नहीं पड़ता। और बहुत एक अच्छा स्टेप जो जिसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, कि पाकिस्तान एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आपकी जो जिसको आप कहते हैं, मैं डिस्क्रिमिनेशन ही वर्ड यूज करूंगा, जिसको आप डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं फीमेल्स के साथ, वो इसमें कोई शक नहीं होती है, मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी होती है, इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया जाता है, ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों को जरूर आगे आना पड़ेगा और ओपनली आना पड़ेगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरी सजेशन है कि आप लोग एक चैनल जो है, क्योंकि रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होते हैं, इस बात का अंदाजा उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे कि यूट्यूब पर चैनल या फेसबुक से चैनल जिसमें खवातीन के इशूज हाईलाइट है, वकील साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, यहाँ पे सारी बड़ी